तो बड़ी खबर आ रही है और यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा और तेज कर दिया है और पिछले 24 घंटे में 1377 भारतीय छात्रों को वापस लाया गया है। आज सुबह से अब तक एयर इंडिया की ओर से पांच विमान दिल्ली आ चुके हैं और विमानों के जरिए लगातार छात्रों को यूक्रेन के पास वाले इलाकों में पहुंचाया जा रहा है, जैसे इस्तांबुल, पोलैंड, बुखारेस्ट यानी कि रोमानिया का इलाका है, और छात्रों को लाना लगातार जारी है। और इस्तांबुल के रास्ते लौटे छात्रों को आज सुबह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। वहीं बुखारेस्ट से भी दो विमान आज दिल्ली पहुंचे और एक विमान में सवार छात्रों को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वागत किया, तो वहीं दूसरे विमान से लौटे छात्रों को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पोलैंड से वापस आए छात्रों को रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। पोलैंड से लौटे दूसरे विमान पर सवार छात्रों को रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पहुंचे थे। I'm here to welcome you all back on behalf of every Indian. Welcome back home. We have all prayed as a nation for your safe return, and I'm grateful that the prayers of your family and the entire country have been heard. I bring to you the blessings and best wishes of the Honorable Prime Minister. स्मृति ईरानी को आपने सुना, सभी भारतीय छात्रों का स्वागत करती हुई वो नजर आई और साथ ही उन्होंने बताया कि यहां पर एक हेल्प डेस्क है जहां पर आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, रूस भारतीय छात्रों को सुरक्षित रास्ता देगा, ईस्ट यूक्रेन में फंसे लोगों को रूस के जो सेफ पैसेज दिया जाएगा उसके जरिए निकाला जाएगा। खारकीव में जो भी भारतीय छात्र फंसे हैं अमित, वो क्या पैसेज होगा, किस तरीके से निकाला जाएगा, मैप के जरिए जरा विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, हम जिसका लगातार आपको कल से हम बता रहे कि किस तरह से यहां पर सेफ पैसेज की बात हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार खारकीव कहां पर है। खारकीव देखिए कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, खारकीव शहर ये पड़ता है और ठीक इसके साथ यहां पर रूस का बॉर्डर लगा है, तो रूसी बॉर्डर यहां पर मौजूद है। और जो यहां पर स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनके पास अब तक हम लोग बता रहे थे कि जो रास्ता बचता है वो यहां से सीधा जा सकते हैं, सीधा पोलैंड के बॉर्डर पर, फिर यहां से जा सकते हैं स्लोवाकिया बॉर्डर पर, उसके बाद जा सकते हैं हंगरी और उसके बाद ये पहुंच सकते हैं रोमानिया। लेकिन अब डिस्टेंस देखिए, अगर उनको पहुंचाना है वहां पर वेस्टर्न बॉर्डर पर तो इतना डिस्टेंस कवर करना, यहां पर ले जाना भी एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक की दिक्कत थी, कैसे लेके जाएंगे सबसे बड़ी बात थी। तो ऐसे में जो बातचीत हो रही थी कि ये रूस का जो बॉर्डर है जो महज 150 से 200 किलोमीटर ही पड़ता है खारकीव के अलग अलग इलाकों से, अगर ये बॉर्डर खोल दिया जाए तो यहां से सेफ पैसेज हमारे स्टूडेंट्स को मिल सकता है और सीधा वो रशिया पहुंच सकते हैं और रूस से उनको फिर से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी कोशिश थी और जो कोशिश इस बार सफल हो गई है। रूस ने कहा है कि खारकीव में जो लड़ाई हो रही है, जो बॉम्ब दागे जा रहे हैं उसमें सेफ पैसेज दिया गया है, स्टूडेंट यहां से उस सेफ पैसेज में निकलेंगे, कुछ घंटों का जो रास्ता होता है उसके बाद वो पहुंच जाएंगे रशियन बॉर्डर। और सर आप लोग आ जाइए सर, क्योंकि आप लोग कल बात कर रहे थे त्रिपाठी जी आप भी कि आखिरकार ये सबसे मुफीद रास्ता जो बनता था वो यहाँ का बनता था कि रशियन बॉर्डर खोल दिया जाए, खोलने की बात हो रही है। ये सबसे अच्छा रास्ता अभी बनता है जो कि खुलने जा रहा है, क्योंकि इससे कुछ घंटे का सफर कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और रास्ता है, आप देखिए कि यहाँ जो जो ये जो नदी है यहाँ पे कहीं पे कीव है, कीव इस जगह पे, हाँ ये ब्लू ब्लू ये है, ये नदी है और यहाँ पे सुमी है तो यहाँ पे बॉर्डर पे और ये बेलोरशिया है, बेलोरशिया से भी बात की जा रही है कि बेलोरूस के बॉर्डर पे पहुंचाए जाए जो सुमी में और कीव में कुछ लोग, मतलब सर कीव में भी क्योंकि बहुत सारे छात्र फंसे हुए हैं तो उनको उस रास्ते से बेलारूस के रास्ते से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर के पास ये जो रिजिजू की बात करें, भारतीय छात्रों की वापसी के लिए किरण रिजिजू बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं, भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए वो वहां पर बात करेंगे। तो लगातार मोदी कैबिनेट के कई मंत्री अलग अलग देशों में पहुंचे हुए हैं और स्लोवाकिया पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जो कोशिश करेंगे बात करेंगे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।